सिर्फ 17 साल का है ये, और 17 साल में इसने इतनी अच्छी बॉडी अचीव कर रखी है ना। 17 साल के हिसाब से तू क्या स्प्लिट फॉलो करता है? तो अगर लोगों को सीखना है तो रॉ एंड अनकट ज्यादा अच्छा है। तो रॉ ज्यादा क्योंकि 45 केजी अपने जिंदगी में किसको उठाते हैं? कम ऑन, बाप रे, मुझे डालना पड़ेगा वापस। ओ बाप रे बाप, मुझे डिस्मोर्फिया हो रही है बॉडी। सो हे एवरीवन, दिस इज अक्षत बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। आज मेरे साथ है विवेक, जो हम लोग पहले हम लोगों ने वर्कआउट किया है साथ में, बट उस टाइम पे मैं यूट्यूब वगैरह नहीं करता था। सो आज काफ़ी दिन बाद विवेक के साथ वर्कआउट करने वाला हूँ। आज हम लोग हिट करने वाले हैं चेस्ट और ट्राइसेप्स। बाकी जो विवेक का चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसके इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जाओ चेकआउट करो, एक्चुअल में बहुत अच्छा कंटेंट है। और गाइज, विश्वास नहीं करोगे भाई, सिर्फ 17 साल का है ये, और 17 साल में इसने इतनी अच्छी बॉडी अचीव कर रखी है ना भाई, दैट इज एक्चुअल इनक्रेडिबल। ठीक है, चल तू मतलब 17 साल के हिसाब से तू क्या स्प्लिट फॉलो करता है, क्या करना तेरे को पसंद है? सपोज कि मेरा सीन है कि मैं स्ट्रेंथ चेस करने जाता हूँ, तो तेरा पर्सपेक्टिव क्या है? तो पहले मैंने जब स्टार्ट किया था तभी मैं 4 डे स्प्लिट करता था, ऐसे ही जो अभी करता हूँ, जो है चेस्ट, शोल्डर, बैक, लेग्स एंड आर्म्स, मैं ऐसे ट्रेन करता हूँ। बाद में बीच में मैंने पुश पुल लेग्स चालू कर दिया था, बट पुश पुल लेग्स में क्या प्रॉब्लम आती है कि आर्म्स पे इतना ज्यादा फोकस नहीं रहता है, क्योंकि प्राइमरी मसल रहता है बैक एंड चेस्ट, तो उसमें पूरी एनर्जी चली जाती है। तो इसलिए मैं वापस ही अपने स्प्लिट पे आया, एंड अभी मुझे थोड़े ज्यादा गेंस दिख रहे हैं। एंड अगर बात करें कि स्ट्रेंथ या एस्थेटिक्स को चेस करते हैं, तो मुझे ऐसा चाहिए कि अगर मैं आपको शीशे में देखूँ ना, तो बेस्ट फिजिक दिखनी चाहिए। तो इसलिए मेरे लिए स्ट्रेंथ नहीं है, मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है एस्थेटिक्स, क्योंकि ये सबका अलग अलग ओपिनियन रहता है, आपका स्ट्रेंथ है एंड मेरा एस्थेटिक्स है, तो मैं ज्यादातर एस्थेटिक चेस करता हूँ। इसलिए मेरा ट्रेनिंग स्टाइल भी ऐसा ही है, 2 या 3 एक्सरसाइज मैक्स पर मसल ग्रुप, एंड उसको एकदम अच्छे से तोड़ देने का, जितना आप ये इतनी सारी एक्सरसाइज में तोड़ पाओ, तो ऐसा चेस करता हूँ। 17 साल के हिसाब से भाई साहब में ज्यादा नॉलेज है थोड़ी, ठीक है, बट बहुत अच्छा लगता है जब अपना यूथ आगे बढ़ रहा है इस तरीके से ना, कि क्या होता है 15-16 साल के लड़कों को आजकल इतनी अकल नहीं होती है क्या करना है क्या नहीं करना है, प्यार के चक्कर में पड़े हैं इधर सब। गलती उनकी भी नहीं है, आजकल अपने आसपास का एटमॉस्फेयर इतना खराब हो चुका है कि हम लोग देखा देखी में लग जाते हैं। और 17 साल के हिसाब से इसने अपनी फिजिक को मेरे हिसाब से भाई बहुत अच्छा बिल्ड कर रखा है, ठीक है, एंड मैं इसके सारे व्लॉग्स देखता हूँ, तो मेरे को पता है क्या डिसिप्लिन फॉलो करता है। अगला, इवन मैं वो चीज़ें नहीं कर पाता हूँ भाई, मैंने भी कुछ चीज़ें इससे सीखी हैं, जैसे कि ये उसका वीडियोस का जो फॉर्मेट है, कॉन्सेंट्री डालना। अभी जब गांव गया था ये भाई, मेरे ख्याल से कितना दिन हो गया, 3 दिन में कितनी वीडियो रिकॉर्ड की थी तूने? मैंने 9 वीडियो 3 दिन में 9 वीडियो रिकॉर्ड की थी, और स्केड्यूल करके गया था कि अब गाँव में तो नेटवर्क आते नहीं है, तो यहीं से काम हो जाएगा। तो भाई यहाँ मेरे से एक बनती नहीं है, इतने इतने दिन में डाल रहा हूँ मैं, मुझे लग रहा है गालियाँ देते होगे ऑडियंस मेरे को। सो भाई मैं भी यही बोलूँगा, आप लोग 16-17 साल के हो, देख रहे हो वीडियो, मैं नहीं बोल रहा कि आप जाके जिम में कूदो, मैं नहीं बोल रहा, बट एटलीस्ट यू शुड फोकस अपॉन योर फिटनेस, क्योंकि भाई फिटनेस है जो आपकी लाइफ स्टाइल इम्प्रूव कर रही है, फिटनेस है जो आपको जीने का नया तरीका सिखा रही है, आपकी लाइफ ऑब्वियसली दूसरों से अलग होगी। और समझो ना यार, 17-18 साल की उम्र में आप जाके क्लब में टाइम वेस्ट कर रहे हो, और 17-18 साल के उम्र में आप अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वेस्ट एंड इन्वेस्ट, ठीक है, ह्यूज डिफरेंस। मेरा गोल भी यही है, क्योंकि आजकल का जो जनरेशन है वो ऐसे इसमें लाइक जेंडर चेंज, जो आप भी देख रहे हो देखा रहेगा, जेंडर चेंज कर रहे हैं, ज्यादातर फेमिनिन अर्ज कर रहे हैं, तो मेरा ये गोल है कि मैस्कुलिनिटी को ज्यादा प्रमोट करना है, वही वो मेरा नाइस। मेरा कहने का मतलब यही है, देखो मैं अपनी वीडियोस में हमेशा तुमको ये चीज़ बताता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने की, इवन दो मैं कंटेंट उतना ज़्यादा डिलीवर नहीं कर पाता हूँ, बट मैं अभी इससे मिला हूँ। और सबसे अच्छी बात क्या होती है ना, जब आपको माइंडसेट मैच करता है, मेरा माइंडसेट थोड़ा ऐसा है कि मेरे तरीके से किसी का माइंडसेट मैच ही नहीं करता। आई थिंक पहले भी मैंने वीडियोज़ में ये बात बोली है, और मुझे इसकी कंसिस्टेंसी देख के बहुत अच्छा लगता है। मैं शायद अभी उतना कंसिस्टेंट नहीं हूँ, बट जो मेरी पहले की लाइफ रही है, जो स्पोर्ट्स में जो मेरे साथ मतलब जैसे मैं स्पोर्ट्स में रहता था, प्रॉपर डिसिप्लिन में रहना, सब रहना, वो सब चीज़ें मैं इसमें देखता हूँ। तब मेरी उम्र भी इतनी थी, 17-18 साल 19 साल, और इस तरीके से इस डेडिकेशन से काम करना कम लोगों में होती है ये चीज़, ठीक
ठीक है, ज्यादा पढ़ाई होगी चढ़ियों इतनी तारीफ करी नहीं है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं भाई, जो देखो जो डिजर्विंग है उसकी तारीफ बनती है, ठीक है, मैं यही मानता हूँ। आप डिजर्विंग नहीं हो तो मैं बोल दूंगा मुंह पे, और इफ आप डिजर्विंग हो तो भाई है। तो अभी चलते हैं, वर्कआउट करते हैं, ज़रा टाइम वेस्ट नहीं करते, बकबक ज़्यादा हो गई है। यस ठीक है, चलो चलते हैं, चेस्ट ट्राइसेप करके फिर वर्कआउट करके निकलते हैं घर। चलो यार प्रॉपर वार्म अप कर ले फिर चालू करते हैं। इतना कुछ नहीं रहता, मैं बस यही तो चालू करते हैं। हाँ, डिप से चालू करते हैं, डिप से स्टार्ट करना। हाँ, पहले डिप से अपन चार लेंगे, चार एक्सरसाइज लेते हैं, चेस्ट की और एक ट्राइसेप्स की। कितना सबका, तीन तीन से? हाँ तीन चार चार वैसे मैं लेता हूँ। अच्छा। तीन तीन तो अब छोड़ दिया, लेना तीन कर ले। चल चालू हो, चैलेंजेस हो गए, चैलेंजेस ज़्यादा चलते हैं। एक तेरा चैलेंज मेरे को बहुत बढ़िया लगा था भाई, जो तूने मरीन ड्राइव पे जाया किया था। अच्छा हाँ, उसके लिए बंदन चाहिए भाई, वो भी वेरी ऑनेस्ट, मेरे में तो नहीं होती जाके लोगों से बात करना है रैंडमली किसी से भी। मैंने सोचा था बीच में, मैंने तेरे को टेक्स्ट भी किया था, मैंने कहा अपन करेंगे साथ में। अरे चलते, तू ही करेगा भाई। अरे मैं उस दिन गया था यार मरीन ड्राइव पे, भाई ऐसे ऐसे लोग बैठ रहे हैं वहाँ पे, इतने मतलब इतनी आके लड़कियों को टॉफी दे रहे हैं, उसके बाद ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं भाई यार, ये तो कुछ खतरनाक ही कर रहे हैं। 20 किलो से कर रहे हैं भाई, कभी किया नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, come on, 2 more. 11. Easy. Come on. बाप जा सकता था और, बट नहीं, बहुत इजी किया। 15 में एटलीस्ट 6 निकालने की कोशिश कर, ठीक है। हाँ पकड़ उसको, नीचे जाओ, ऊपर, अप, 2, ब्रिलियंट, अप, 3, पुश पुश पुश, 4, बहुत अच्छे, 5, चल 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 चल, एक और आ जा, एक और आ जा, अप अप अप, हार्ड है, बहुत ज़्यादा हार्ड इसमें। हाँ इसमें स्पॉट का सीन नहीं बनता है ना, वो अपने आप ही पुश करना है। अभी स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट हुआ फ्लैट डंबल प्रेस। अच्छा नहीं, ये तो मुझे लगा और कर, ये वार्म अप्स खत्म हो गए अभी तो, मैं अभी उसमें हैवी चलना है ना अपने को, तो इसलिए मैं ज़्यादा वेट। कितना चाहते हो आप? जो लास्ट है भाई 45 के 50 भी है, 45 लास्ट है, 50 के लिए मैंने बोला इन लोगों से, जो यहाँ के ओनर है उनसे बोला कि 50 मंगाइए, तो बोले यार पहले एक दो दिन पहले थोड़ी देर सोचे, फिर उसके बाद बोले कैसे मंगाए हम 50। मैंने कहा भाई मंगाओ यार, कैसे क्या मंगाओगे। और R360 में कितना रहता? 50 है, 50 अप है। बाप रे, आजकल आजकल जा नहीं रहा, स्ट्रेंथ थोड़ी कम हो गई है, बॉडी डिस्मोर्फिया कुछ ज़्यादा ही तगड़े लेवल पे है मेरा, क्योंकि पहले मेरी इससे अच्छी रह चुकी है ना, वो कभी उतना, अभी मेरी कंडीशन उससे भी ख़राब है, जो ग्रेविटी में थी उससे भी मतलब ख़राब कंडीशन है अभी भी, बहुत अच्छी है। बट आपकी ये फर्स्ट सेट है? हाँ ये फर्स्ट सेट है, ये फर्स्ट है, फिर 40। हाँ वीडियो बन रहा है, ओह सॉरी, ये पहला सेट है, फिर मतलब पहला वर्किंग है, फिर इसके बाद 1:40, फिर इसके बाद 45। लिफ्ट अप, चल इजी, 1, ब्रिलियंट, पुश, 2, गुड इनफ, अप, अरे यार क्या, 3, कम ऑन, पुश अप, 4, यस, चल आ जा, 5, 8 आने दे, कम ऑन, अप, इजी, 6, नाइस, चल अप, 7, बहुत अच्छे, चल 3 और आ जाएगा, चल कम ऑन, अप अप, नहीं होगा, नहीं शोल्डर शोल्डर छोड़ दिया कर, मेरा ये शोल्डर का बहुत प्रॉब्लम है, लेफ्ट वाले दोनों दोनों, चल बड़ी, चल इजी, चल इजी,
1 2 2 good enough chal 11 come on chal 12 3 more come on one more push nice pata hai jab niche rakhte ho na tune bhi ye galti ki niche rakhe nahi rakha jata hai upar se rakha jata hai acha kyunki jo shoulders mein sabse zyada problem hoti hai na strains wagera ki wo isliye hoti hai kyunki hum log aise le aaye ab ya to hum chhod do niche तुम छोड़ भी नहीं छोड़ना भी नहीं चाहते हो हाँ हाँ तो यहाँ से ऐसे लाने में ना पूरा शोल्डर ओके ऊपर से ये अच्छा एक अब इसमें तुम 45 भी ऐसे लेके आ सकते हो आराम से 45 केजी से कितना जाता आपका भाई अभी तो मेरे को पता नहीं बिल्कुल मेरे को स्ट्रेंथ अंदर से आ ही नहीं रही है अभी मतलब थोड़ा वैसा लग रहा है अभी पता नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा 3-4 जाएगा अरे कैसा है ना मैं स्ट्रेंथ 2 दिन आया नहीं कल भी नहीं आया मैं परसों भी नहीं आया ठीक है तो इसके बाद डाइट थोड़ा प्रॉपर हो नहीं पा रही है अभी तो देखो जाना चाहिए जय भोले वन टू थ्री फोर फाइव कम ऑन 3 मोर चल पुश चल 2 मोर हाँ लवली कितना 10 गया ना 10 गया 10 लेफ्ट अप अभी स्टेबल हो जा पहले ठीक है चल इजी 1 2 अप नाइस चल वन मोर कम ऑन अप यस नहीं हो पाया ये टाइट पकड़ा कर यहाँ से अच्छा इफ तेरा हैवी है ना ये सपोज मेरा 45 मेरे लिए हैवी है मैंने उस पर 5 रेप्स मारे अगर मुझे लग रहा है कि मैं ऊपर नहीं लेके आ पाऊंगा तो नीचे छोड़ देता अच्छा ठीक है समझा इंजरी से अच्छा है पटक हाँ हाँ लिफ्ट करवा दूंगा लिफ्ट अप होल्ड स्टेबल हो जा यस चल पुश 1 गुड इनफ चल पुश 2 बहुत अच्छे चल पुश 6 लवली यार अप 2 1 मोर एक उसमें आया कर पूरा मोमेंटम चलना होता है यहाँ से नीचे तक वरना ये जो तेरा भी रिस्ट मेरा भी हुआ साथ साथ अगर लोगों को सीखना है ना हाँ तो अगर लोगों को सीखना है तो रॉ एंड अनकट ज्यादा अच्छा है तो रॉ ज्यादा क्योंकि आप बिटवीन द एक्सरसाइज आप बता सकते हो कि आपको ऐसे करना है अगर आपको स्ट्रेंथ चेस करना है तो कैसे स्ट्रेंथ चेस करना है और अगर आपको स्टेमिना एंड्योरेंस लेना है तो कैसे जाना है वो चीजें हम लोग बता सकते हैं बकायदा ऐसे मोन्टाज में क्या होता है ना वो चल रहा है वो मोटिवेशन टाइप का है मुझे ऐसा लगता है कि लोग उसमें ज्यादा स्विच करते हैं मतलब ऐसा स्किप करते हैं हाँ ऐसा है कि मुझे ऐसा फील होता है जब तक बीच में कनेक्ट नहीं कर रहे हो ना लोगों से तब तक मुझे नहीं लगता माहौल बनता है साइज है बट उतना श्रेड होना उतनी प्रॉपर वेन्स पॉपअप होना वो थोड़ा मुश्किल है यार जैसा जो मुझे फील होता है बाकी अगर मेहनत करो तो भाई हो ही सकता है ऐसा भी नहीं है मैंने भी एक टाइम पे वो फिजिक अचीव की है उतनी नहीं बट जितनी की है अपने शूट्स वगैरह के हिसाब से अच्छी की है तो मैं मान सकता हूँ कि हाँ श्रेड भी आप हो सकते हो एक लेवल तक बट श्रेड विद मास वो बहुत बड़ी बात हो जाती है यार बाकी यार वो लोग काफ़ी डिसिप्लिन में भी रहते हैं हाँ वो भी है वो भाई हम लोग जितना रहते हैं उससे दुगना ही रहते हैं बहुत ज़्यादा 6-8 तो जाना चाहिए यार 45 केजी अपने जिंदगी में किसको उठाते हैं कम ऑन एक कम ऑन चल इजी चलो देखते हैं कैसा जाता हूँ 6-8 कम ऑन पुश कम ऑन 1 2 3 4 5 कम ऑन 2 मोर 6 push दे दे क्रेजी अबे यार मेरी मुझे हंसी आने लग गई थी पता है बट पुश तगड़ा हो रहा था एक बहुत मस्त था हो जाना चाहिए था वो हुआ पता नहीं क्यों मेरे को हंसी आ गई फिर भी अगर मैं पुश करता रहता तो मेरे को भाई इंजरी हो जाती तो डर लगा रहता मेरे को
बहुत पता नहीं क्यों हंसने लग गया मैं, बस लोड के नीचे हंसना मत थोड़ा सा ना स्टेबल रखियो, पीछे आएगा ना तो स्टेबल रखियो, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पहले गिर रहा है एक वैसे गिर रहा है। अच्छा ठीक है समझ, दोनों को एक बार में लेके आ। ओके यहाँ से मैं लिफ्ट दूंगा, फिर उसके बाद बोलूंगा तेरे को स्टेबल होने को, जब स्टेबल होने को बोलूंगा ना तो आर्च मेंटेन कर लियो, चेस्ट आउट करके फिर अंदर करके तब जा, इजी जाएगा। ब्रीद इन, चल आ जा पीछे, दोनों एक साथ आने चाहिए, बहुत अच्छे पुश, अभी स्टेबल हो जा, रेडी यस, चल सीधा पुश पुश, ब्रिलियंट सेल्फ है, चल पुश, बहुत अच्छे, टू चल अप 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 अप, थ्री नाइस, अप 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 अप, फोर, बहुत अच्छे चलने दे, चल 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 चल, वन पुश 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 पुश, पांच, बहुत अच्छे पुश 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 पुश, चल एक और लास्ट, कम ऑन, चल अप पुश पुश, नहीं होगा, छोड़ दे छोड़ दे, छोड़ दिया अगर, हां छोड़ दिया पूरा, छोड़ दिया पूरा, छोड़ दिया अगर, अच्छा था बट फिर भी ये वाला ज्यादा अच्छा था, फर्स्ट वाले से ज्यादा अच्छा, फर्स्ट वाले ज्यादा अच्छा था, आई थिंक ये 25 वाले से भी तेरा ज्यादा अच्छा गया ये। ओके तेरा लास्ट 25 वाला तू मार रहा था, तो दो सेट मारे, मुझे इसमें स्टेबिलिटी ज्यादा थी। ओके आई वो आपने अभी समझाया ना अच्छे से, हां जब जब स्टेबिलिटी, मैं 45 उठाता हूं उसका रीजन यही है कि मेरी स्टेबिलिटी अच्छी है। अच्छा तू मेरे को देखेगा, मैं ऊपर जब यहाँ हूँ ना तो मैं सेट कर लेता हूँ अपने आप को कि अगर मेरे को पैर इस पे रखना है, जब मैं पैर इस पे रखता हूँ तो मेरा रीजन ये होता है कि मैं सिर्फ चेस्ट का पावर लगाऊं, जब मैं पैर नीचे रख रहा हूं तो मैं मेरा फिर पूरी बॉडी एक्टिव होती है, तो वो थोड़ा इजी हो जाता है कहीं ना कहीं। अच्छा 45 मारना आसान है, 45 रैक करना मुश्किल है, बहुत हार्ड है, यही सबसे मेहनत। इंक्लाइन पे करते हैं चल के, उस पे स्मिथ मशीन पे, तू चल रहा है, तू जा रहा है, पहले मैं कर लेता हूं, बाद में आप ज्यादा कर लोगे ना, और थोड़ा थोड़ा ना पुश करते रहा कर, जैसे तू बता रहा है कि 25 पे बहुत टाइम से कर रहा है, हां हां तो स्विच किया कर। अच्छा 30 के तू 25 तू 30 कर रहा है ना, 30 कर, दो रेप कर, तीन रेप, मेरी बेंच ऐसे ही बड़ी भाई, 100 मेरे लिए उस टाइम पे जब मेरा 100 मैक्स था ना, तो मैं 100 से बढ़ाया, पता कैसे, मैं 100 के पूरा पूरा 5 रेप्स मारता था और एक मेरे लिए बहुत होता था, मतलब एक में स्ट्रगल करता था, एक किया फिर घूमता रहा, फिर आया फिर दूसरा एक मारा, फिर घुमा, अच्छा। फिर एक मारा, तो फिर वो साइकोलॉजिकली माइंड में हो जाता कि 5 तो मार ही रहा हूँ मैं, अब की बार मैं 2-3 बार हुआ, फिर इसके बाद ये मुझे लगता है कि लाओ एक साथ दो ट्राई करता हूँ, पीछे अच्छा, किसी को स्पॉट करने के लिए खड़ा कर लिया, जैसे 30 का कर रहा है ना, जैसे 25 से तेरा 10 रेप निकल रहा है आराम से, इसके 4 रेप्स तू मार लेगा, तो बॉडी उतनी कैपेबल है, अगर तेरा 25 में 10 निकल रहा है तो। अच्छा तो ये मत सोच कि जब 28 आएगा तभी मारूंगा, वो कोई सेंस नहीं बन रहा था उस बात का। यस कितना गया, काउंट नहीं किया, वार्म अप था ना, अभी मेन सेट है ना, अब मेन सेट चालू करते हैं, तो निकालना है, निकाल पुंट को बाद में इंक्लाइन के 2-3 सेट, 2 सेट बाद में, नहीं तो इंक्लाइन के बाद निकालते हैं। चल बहुत अच्छे, पुश 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 पुश, नाइस, 10-10 ऐड कर देते हैं, 10-10 ऐड कर, इधर आ जा, पकड़ ले आके, पुश 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 पुश, बहुत अच्छे, चल अप 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 अप, पुश 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 पुश, बहुत अच्छे, ये बढ़िया था। आप कितने जाओगे? मैं भी इतने ही जाऊंगा भाई, इतने कितना गया तेरा, 8 गया, काउंट किया कि नहीं किया, काउंट करा कर, चल पुश, टू, बहुत अच्छे, लेफ्ट अप 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 अप, 3, गुड, अप 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 अप, 4, चल 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 चल, पुश पुश, यस नाइस, किसी के ऊपर 10 लगा, नहीं नहीं बहुत हो जाएगा वो, हाँ वो बहुत हो जाएगा, नहीं होगा, चल हैवी जाएगा शायद, बॉडी 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 आर्च, चल चल आप, भारी है नहीं जा, बहुत भारी है ये वाला, यस बहुत थर्ड है,
फील कर, फील कर, चल 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 चला जा, आ गया, पुश 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 पुश, बहुत तगड़े, चल पुश पुश, पार्शल कर रहा है, उठ नहीं रहता या क्या सीन था? उठ नहीं रहा था, अबे मुझे लगा कि पार्शियल सेट्स ले रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ चल, मुझे लगा तू हाफ हाफ रेंज में ले रहा है कि पार्शियल सेट्स कर लूँ, ना ना, पर जब तू नीचे बैठ गया ना लेकिन तो मेरे को समझ में अच्छा, उठ नहीं रहा था, कि उठ नहीं रहा था इससे, वो स्ट्रेंथ बहुत ड्रॉप हो गई मेरी, मैं भी ज्यादा नहीं जाऊंगा यार, थोड़ा ही जाऊंगा, पहले मेरा 60 से ज्यादा था आराम से, 8-9 अब जाता था, मेरे को तो भाई टी शर्ट उतारने में इतना शर्म आता है ना, सब पीछे रहना है क्या? क्यों जाएगा? नहीं नहीं इसमें होगा। बाप रे। इन्हें पॉज कर। पुश पुश पुश। चल टू मोर टू मोर टू मोर। इजी काम पुश। इजी यार। लवली वन मोर। पुश पुश। बापरे अकेले करने में और पार्टनर्स के साथ करने में फर्क है भाई, एडिटिंग की सुविधा कम है, क्या वो कौन सी सुविधा है? इन ये लैपटॉप्स नहीं मेरे पास, हाँ मेरे को फोन में ही करना पड़ता है, तो मेरी आंखें पता तू फट जाती हैं भाई, सब तरह ऐसे ही घुसा रहता हूँ इसी में फोन में, आने दियो सेल्फ आने दे, पुश बहुत अच्छे, वन ब्रिलियंट, अप अप अप, टू पुश पुश push 6 2 aur aa up up chest full bhara hua lag raha hai kidhar karna udhar bhai idhar bhi aap bhi tu utar do ha na saath mein chahiye saath mein chahiye tha isliye short chahiye kya ha aur to chal baaje maar de jab baap re mujhe dalna padega wapas chal मेरे सिर्फ आर्म्स थोड़े और अच्छे हो जाए ना, मेरा भी आर्म्स बहुत छोटे हैं, आर्म्स मेरे जेनेटिक्स में नहीं है, सिर्फ जेनेटिक्स में नहीं है, मेरी चेस्ट मेरी अच्छी है क्योंकि भाई चेस्ट के लिए मैंने इतने पुशअप्स मारे हैं शुरुआत से, बचपन से ही पुशअप्स मारे हैं मैंने, अभी सेट करने के बाद हम वो करेंगे, अप 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 अप, फोर बैक ऊपर, अप 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 अप, जो लैट पुल डाउन है उसको छोड़ के और रोइंग छोड़ के मैंने जितनी एक्सरसाइज की होती है वो रिपीट नहीं करता हूँ, अच्छा, और रोइंग में भी ऐसे करता हूँ कि इधर आ जाए सिर्फ, आ जाए, और रोइंग में भी मेरा ऐसा रहता है कि जब रोइंग मार रहा हूँ ना तो एक रोइंग पे मैं बोथ हैंड लेता हूँ, फिर ऑल्टरनेट मतलब अगले वाले डे पे जो अगला बैक का डे होता है उसमें सिंगल हैंड लेता हूँ, अच्छा, सो दैट की कॉन्ट्रैक्शन पूरा, ओके समझ, एक सेकंड क्रेजी यार बस करो भाई अभी हट जाऊंगा मैं, मसल ब्लेस के साथ शूट हुआ करेंगे तो ऐसे करने पड़ेंगे, सही आ रहा है यार, एक क्लैरिटी तो उसकी तगड़ी है, दोनों की मसल मुझे तो इसकी भी अच्छी लगी, इसमें मसल्स कितनी सही दिख रही हैं भाई, इसमें नहीं पता चलेगा शायद, अभी देखो अभी शायद पता चलेगा, डार्क करा मैंने, फ्लाइज फ्लाइज है ना, तेरा मन फ्लाइज पे अटका हुआ है, चल बताओ कोई चैलेंजेस बताओ यार क्या करने चाहिए साथ में, चल 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 पुश और एक्सटेंड कर आम को और एक्सटेंड कर पूरा आने से आगे, कम ऑन कम ऑन, थोड़ा सा साला आर्म्स का सही हो जाए ना भाई, पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर सही हो जाए, मेरा थोड़ा सा प्लस पॉइंट मेरे फोर आर्म्स है, चल आ जा, यस चल, हाँ
नहीं बन जाएगी, सबकी बन जाएगी। चल 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 चल, बहुत तगड़े। पुश पुश सिक्स आ जा। बस बस स्लो। शोल्डर ऐसा दिख रहा है, आर्म जैसे दिख रहा है शोल्डर। बहुत आपका अपर पूरा ये जो एरिया ना, बहुत इतना इतना हाफ यहाँ से लगे यहाँ तक, ये भी अच्छा लग रहा है मुझे तो। क्या करना पड़ेगा बताओ भाई। कौन सा वाला डबल बाइसेप्स? क्यों तो देखा ही नहीं होगा तुमने किसी भी एक भी वीडियो में पोजिंग करते हुए, अरे एक ही पोज देखा होगा ये वाला। बैक भी अच्छी है आपकी। ओ बाप रे, मेरे आते ही नहीं लाइट से। ले जाएगा तो दिख रहा होगा, मुझे तो दिख नहीं रहा भाई, मैं चश्मा में। ये मेरा फेवरेट पोज है। कौन सा? ये वाला ना? ये वाला मेरा फेवरेट। ये वाला साइड डेड्स। हां साइड डेड्स ऐसे ऐसे लगा। हां हां ये वाला। बाप रे बॉडी डिसमॉर्फिया। हाँ तो भाई कैसा लगा व्लॉग? अब लास्ट के टाइम में ज़्यादा बोलना सही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी व्लॉग बहुत लंबा हो चुका है और अब ज़्यादा बोलूँगा तो और लंबा हो जाएगा। दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो एंड मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना कि ये रॉ एंड अनकट वाला पार्ट आपको कैसा लग रहा है। मैंने कोशिश किया है मैं जितना रॉ रख सकता हूँ, उसका रीज़न ये है कि रॉ में मुझे ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों से ज़्यादा कनेक्ट कर पाता हूँ, ज़्यादा अच्छे से चीज़ें ब्रीफली बता पाता हूँ। और क्या होता है जब मॉन्टाजेस में होता है ना तो सॉन्ग्स के साथ साथ थोड़ा ही कनेक्टिविटी कहीं टूट जाती है, यही रीज़न है जो मैं रॉ एंड अनकट बनाने की सोच रहा हूँ आगे भी। और आप बताना मेरे को कमेंट्स में कि रॉ एंड अनकट वाला पार्ट सही लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि वीडियो थोड़ी लेंदी हो जाती है बट द थिंग इज कि आपको उसमें कुछ सीखने को ज़्यादा मिलता है कहीं ना कहीं। और दूसरी चीज़ आप एक्चुअल में ये भी जान पाते हो कि मैं इन पर्सन कैसा हूँ, इवन दो थोड़ा बहुत तो कटता वटता है ही जो भी है, क्योंकि अभी मैंने ये वाला जो है दो दो घंटे का रिकॉर्ड हुआ है और उसमें से काट कूट के जितनी की भी हुई है उतना हुआ है। कमेंट में लेट मी नो कि कैसा लगा आपको व्लॉग, और इफ़ अच्छा लगा है तो और भी रॉ एंड अनकट वीडियोस डालूंगा मैं, इफ़ नहीं अच्छा लगा तो वो भी बता दो तो फिर मैं उसके सारी चीज़ें एडजस्ट करूँगा, क्योंकि इन द एंड जो भी है आप ही लोग के लिए बना रहा हूँ। दैट्स इट। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू डू देन प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, कॉमेंट डाउन बिलो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप ब्रांडिंग कीप हसलिंग।